जस्टिस लीग स्नाइडर कट, ये वो फिल्म है जिसे हम फैंस को हमेशा से इंतजार था। अब फाइनली इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है, जहां हम फैंस को पुरानी जस्टिस लीग के मुकाबले एक अच्छी जस्टिस लीग देखने को मिली है। हम सब जानते हैं कि स्नाइडर कट एक स्पेशल फिल्म है जिसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो आज के इस वीडियो में हम जस्टिस लीग स्नाइडर कट से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स आपको बताएंगे जिन्हें शायद आप जानते ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, 2017 में आई जस्टिस लीग को पहले जैक स्नाइडर ही डायरेक्ट कर रहे थे, पर उनकी बेटी के गुजर जाने से उन्हें फिल्म को बीच में ही छोड़ना पड़ा था, लेकिन वो बाद में वापस इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आ गए। तो इसी दौरान स्टूडियो ने एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस वीडन को फिल्म डायरेक्ट करने के लिए बुलाया, जिन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना शुरू कर दिया था। नंबर दो, जॉस वीडन के आने के बाद उनके और जैक स्नाइडर के बीच में कई डिफरेंसेस रहे थे। वीडन फिल्म में कई ऐसे चेंजेस करना चाहते थे जो स्नाइडर को सही नहीं लगे। स्टूडियो ने स्नाइडर को न्यू स्क्रिप्ट के अनुसार काम करने के लिए कहा, तो स्नाइडर ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म का पार्ट नहीं रहेंगे और वो फिल्म को वापस छोड़कर चले गए। बाद में वीडन ने 80-90% फिल्म को वापस शूट करा था। नंबर तीन, फिल्म को रिशूट करने के लिए सभी एक्टर्स को दोबारा बुलाया गया, पर सभी एक्टर्स दूसरी फिल्मों में बिजी थे। हेनरी केविल, जो कि सुपरमैन का रोल करते हैं, वो उस वक्त मिशन इम्पॉसिबल फॉलोआउट की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपनी मूछें रखी थी और सुपरमैन के रोल में उन्हें क्लीन शेव्ड रहना पड़ता था, तो फिल्म को उन्होंने अपने मूछों के साथ ही रिशूट किया था, जो बाद में सीजीआई की मदद से उन्हें क्लीन शेवन दिखाया गया था। नंबर चार, 2017 की जस्टिस लीग जब रिलीज हुई तब फिल्म ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था। जस्टिस लीग का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी बिलो एवरेज रहा, जहां $300 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $750 मिलियन का बिजनेस किया। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि फिल्म आराम से $1 बिलियन का बिजनेस कर सकेगी, लेकिन खराब डायरेक्शन और स्टोरी की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर पाँच, फिल्म के बुरी तरह पिटने के बाद स्टूडियो को बहुत सारा लॉस और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे जस्टिस लीग को नहीं बनाएंगे। नंबर छः, साइबॉक का रोल करने वाले एक्टर रे फिशर और वंडर वुमन का रोल करने वाले एक्टर गैल गैडोट ने पब्लिकली ये क्लेम किया कि रीशूटिंग के वक्त वीडन का बिहेवियर फिल्म के क्रू के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। नंबर सात, जस्टिस लीग के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने कोई भी डायरेक्टर्स फी नहीं ली है। स्नाइडर का मानना था कि जो उनकी फीस है उन्हें फिल्म के प्रोडक्शन में ऐड कर दिया जाए ताकि फिल्म और भी अच्छी बने। Justice League really is for me an amazing crown jewel as a community. नंबर आठ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जैक स्नाइडर ने आज तक 2017 की जस्टिस लीग नहीं देखी है। उन्हें हमेशा से वीडन के काम करने का तरीका पसंद नहीं था, और जिस तरह से फिल्म का रिस्पांस रहा था उसके बाद वो और भी ज़्यादा अपसेट हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि वो वीडन की जस्टिस लीग ना ही देखे तो अच्छा है। नंबर नाइन, स्नाइडर कट के रीशूट के दौरान फ्लैश के कुछ सीन्स को जैक स्नाइडर ने जूम कॉल के थ्रू डायरेक्ट किया था, और बाद में वो सीन्स सीजीआई के थ्रू फिल्म में मर्ज कर दिए गए। तो दोस्तों, ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।